सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे द गार्डन सरप्राइज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की. सो हियर आर द क्वेश्चंस. व्हाई डिड पीपल टर्न देयर आईज अवे फ्रॉम जेन्स गार्डन? जो लोग थे जो उसके घर के आगे से निकलते थे, जेन्स के गार्डन के आगे से निकलते थे, तो वो अपनी आंखें क्यों फेर लेते थे, क्यों टर्न कर लेते थे? बिकॉज इट वॉज बेयर एंड अगली. क्योंकि गार्डन क्या था? गार्डन बेयर था. उस पर एक भी पत्तियां नहीं थी, वहां पर फ्लावर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, और अगली था बहुत. मतलब बुरा दिखता था गार्डन, क्योंकि क्लीन नहीं करती थी जेन. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस गार्डन कीप गेटिंग डर्टी? द ईस्ट विंड केप्ट ब्लोइंग द रबिश फ्रॉम जेन्स गार्डन इन टू एलिस गार्डन्स एंड स्कैटरिंग इट अमंग हर फ्लावर्स. देखो, जो ईस्ट विंड आती थी वो अपने साथ रबिश लेकर आती थी, ठीक है, और जेन्स गार्डन इन टू एलिस गार्डन, क्योंकि वो जेन्स के गार्डन की तरफ से आती थी और एलिस के गार्डन की तरफ जाती थी, और उससे क्या होता था, गंदगी जो थी वो सारी फैल जाती थी, फ्लावर्स वगैरह, गंदगी वगैरह सब गार्डन में फैल जाता था, और इससे एलिस का गार्डन क्या लगता था, बहुत ज़्यादा डर्टी लगता था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड एलिस फाइंड लॉन्ग एंड टायरिंग? एलिस को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा था जिसके कारण वो टायरिंग हो गई थी. वाई? एलिस हैड ड्रीम्ड दैट अ मैजिक फ्लावर इन हर गार्डन वुड स्टॉप द रबिश. एलिस ने, आपको याद होगा, एक ड्रीम लिया था, सपना लिया था कि एक मैजिक फ्लावर जो है इन हर गार्डन, इसके गार्डन में एक मैजिक फ्लावर ग्रो होगा जो क्या करेगा, वुड स्टॉप रबिश फ्रॉम जेन्स गार्डन. और वो मैजिक फ्लावर क्या करेगा कि जेन्स के गार्डन से जितना भी रबिश आता है उससे वो रबिश आना बंद हो जाएगा उस मैजिक फ्लावर के कारण. शी टुक गुड केयर ऑफ द प्लांट. और यहाँ उस ड्रीम लेने के बाद एलिस ने बहुत ज़्यादा केयर की प्लांट की, और उसने वेट भी बहुत ज़्यादा किया कि फ्लावर ग्रो होगा, कुछ मैजिक होगा, गंदगी आना बंद हो जाएगी. बट द ईस्ट विंड कॉन्टिन्यू टू ब्लो द रबिश फ्रॉम जेन्स गार्डन इन टू हर्स. लेकिन जो ईस्ट विंड हमेशा कॉन्टिन्यूसली आती रही, और जब भी आती थी अपने साथ रबिश लेकर आती थी जेन्स गार्डन से, और कहाँ फैल जाता था वो रबिश सारा, एलिस गार्डन में, ठीक है. शी फाउंड वेटिंग फॉर द फ्लावर टू वर्क इट्स मैजिक लॉन्ग एंड टायरिंग. तो यहाँ पर उसको ये रियलाइज हुआ कि जो फ्लावर है उसका वेट करना इतने लंबे समय तक वो लॉन्ग और टायरिंग है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड एलिस हैव डाउट्स अबाउट कंटिन्यूइंग टू टेंड द पिंक फ्लावर्स? एलिस को डाउट होने लगा था कि इतने लंबे समय से वो क्या कर रही है, फ्लावर की केयर कर रही है, तो व्हाई डिड शी वॉज हैविंग इन कन्फ्यूजन, व्हाई वॉज शी वॉज हैविंग सो मैनी डाउट्स? क्योंकि एलिस टुक गुड केयर ऑफ द मैजिक फ्लावर बट शी डिड नॉट सी एनी मैजिक हैपन. तो सीजन बदलते गए, चेंज होते गए, लेकिन रबिश हमेशा से जेन्स गार्डन से आता रहता था एलिस के गार्डन में. सो शी वंडर, तो वो हैरान थी, सरप्राइज थी कि अब उसको अपने गार्डन का ध्यान पहले की तरह कंटिन्यू रखना चाहिए, उस फ्लावर की केयर करनी चाहिए. सो शी वॉज हियर वंडर्ड. क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन इट इज, व्हाट डिड पीपल से अबाउट द टू गार्डन्स इन द बिगनिंग एंड इन द एंड? लोग क्या कहते थे दोनों गार्डन्स के बारे में, स्टार्टिंग में और एंड में? इन द बिगनिंग पीपल सेड अबाउट एलिस गार्डन दैट दिस इज द प्रीटीस्ट गार्डन इन टाउन. बट जेन्स गार्डन के बारे में वो क्या कहते थे कि ये अगलीएस्ट स्पॉट है, अगलीएस्ट गार्डन है पूरे टाउन का. In the end, they said, they means here people, in the end they said, of all the gardens in town, there are none so pretty as these two. लेकिन लास्ट में जब मैजिक हुआ, फ्लावर ग्रो हुआ, मैजिक हुआ, तो लोग कहने लगे कि पूरे गार्डन, जो पूरे टाउन में जो गार्डन्स हैं उनमें से ये जो दो गार्डन हैं एलिस का और जेन का, यही दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. आई होप दिस विल हेल्प यू.